मेरी बाइक है, वो तालाब है और यहाँ पे मोटर व्लॉग हो रहा है। Hi guys, Aarti here and welcome back to my channel. To live the life I always dreamt of, a life that involved travel and a chance to do good as I go. Sounds impossible, not for her. YouTube channel Drive with Vishakha. हे गाइस, वेलकम बैक दी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर बाइकर्स। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत बड़े बड़े नेम और फेम वाले मोटो ब्लॉगर देखे होंगे और आज हम इस मोटो ब्लॉगिंग की दुनिया की ऐसे ब्लॉगर की बात करने वाले हैं जिनमें से शायद ही कुछ को आप जानते होंगे। तो आज हम टॉप 5 इंडियन गर्ल मोटो ब्लॉगर की बात करने वाले हैं और इनकी रैंकिंग इनके काम से नहीं, इनकी सब्सक्राइबर काउंटिंग की बेस पर मैंने रखी है, क्योंकि काम किसी का भी हो, काम सबका ही अच्छा होता है, क्योंकि उस काम के पीछे करने वाले का पूरा 100% होता है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी इसमें पूरा 100% ही है। अब आपको कैसा लगेगा पता नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन गर्ल्स मोटो ब्लॉगर के बारे में जिन्होंने अपना एक अलग ही नेम और फेम दोनों ही बनाया है। तो ये मोटो ब्लॉगिंग के चैनल पे ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है पीक पर और डालने के लिए कंटेंट अभी कुछ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम बाइक ही नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को देखिए, जिनसे आप अनजान हैं उन्हें भी जानिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना बिना समय खराब किए हुए टॉप 5 इंडियन मोटो ब्लॉगर के बारे में। तो ये है रोशनी मिसबाह उर्फ हिजाबी बाइकर उर्फ इंडियन फास्टेस्ट सुपर बाइकर गर्ल। तो जिनके सब्सक्राइबर्स काउंटिंग के लिए हम बात करें तो 35.7 के सब्सक्राइबर्स हैं और जिनमें इनके सुपर बाइक का कलेक्शन और डिलीवरी वीडियो देखने को आपको मिलेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सुपर बाइक्स होने के बावजूद भी इतने कम सब्सक्राइबर क्यों, तो ये इंस्टाग्राम पर यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव होती हैं। और ये है इनकी सुजुकी की इंट्रूडर जो कि इनके हाल ही में सुपर बाइक के कलेक्शन में शामिल हुई है। साथ ही आपको इनके देखने मिल रही है S2 और उसके बावजूद में आपको मिलेगी ZX6R। और साथ ही इनका कहना है कि यदि आप बाइक का कलेक्शन करते हैं तो आपके गैराज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बाइक को होनी चाहिए वो है इनकी सुजुकी हायाबुसा। और इनका कहना यही है कि हर एक बाइकर के गैराज में ये होना कंपलसरी है, तभी उनका कलेक्शन पूरा होता है। अब साइड में आपको देखने को मिल रही है इंटरसेप्टर 650, जिनको ये बताती हैं कि ये इनकी डेली यूज़ की बाइक है। आइए अब सुनते हैं H2 की आवाज़ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। होप आपको इनका कलेक्शन और H2 का साउंड दोनों ही पसंद आया होगा, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरी बाइक है, वो तालाब है और यहाँ पे मोटो व्लॉग हो रहा है। हाय गाइस। तो नंबर 4 पर है ये एराथीज लाइफ मोटो व्लॉगर जो कि गर्ल्स के लिए बनी परफेक्ट राइडिंग बाइक एवेंजर पर सोलो राइड करती हैं। जिनके सब्सक्राइबर्स काउंटिंग की यदि हम बात कर लें तो 78.4 के सब्सक्राइबर हैं। और साथ ही सल्यूट है इनके भी जुनून और जज्बे को जो ये सोलो राइड करने के लिए इन्हें मोटिवेट करती हैं, क्योंकि इनकी आप जितनी भी राइड देखेंगे ये हर राइड में आपको सिंगल ही मिलेंगी, सोलो राइड करते हुए मिलेंगी। और इनकी काफ़ी नेशनल्स और इंटरनेशनल्स राइड भी हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं इनके पेज पर। और ये इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से एक्टिव रहती हैं, तो आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं और इनको फॉलो और सब्सक्राइब दोनों करिए। तो नंबर 3 पर है चमेली नदेला जी, जिनके 117 के सब्सक्राइबर 117 के सब्सक्राइबर हैं। और इनके पेज पर भी आप सोलो राइड जो कि ये डिफरेंट स्टेट्स में अपनी राइडिंग करती हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में, तो इनकी भी इंस्टा पर आप एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो आप उन्हें देखिए और चेकआउट करिए। Thank you.
नंबर दो पर है कैंडिडा लुइस, जिनके 165 के यानी 165 के सब्सक्राइबर, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये सोलो राइड करते हुए 9 कंट्रीज को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग का काम है। गर्ल्स राइडर में ये मेरी फेवरेट राइडर हैं, और इनकी जो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की राइड थी उनको मैंने कुछ क्लिप्स में आपको दिखाने की कोशिश की थी, तो आपने देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो बाकी का जो प्यार है तो इनके पेज यूट्यूब पर और इंस्टा के पेज पर आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। नंबर वन पर है हमारी राइडर गर्ल विशाखा। जिस तरह जेस पाजी ने राइडिंग पसंद यूथ के लिए मोटो ब्लॉग में करियर का ऑप्शन दिया था और उनके फेवरेट मोटो ब्लॉगर बने, उसी तरह सेम टू सेम गर्ल्स के लिए आइडियल और फेवरेट मोटो ब्लॉगर राइडर गर्ल विशाखा हैं। इन्होंने भी नेम और फेम काफ़ी बनाया है इस लाइन में। इनकी सारी राइड सोलो ही होती हैं, जो आप इनके पेज पर चेक कर सकते हैं। बाइक की बात करें तो इनकी फेवरेट बाइक जो है ड्यूक है, और ये ड्यूक पर ज़्यादा से ज़्यादा राइड करना पसंद करती हैं, और वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट बाइक पर भी राइड करती हैं, जैसे आप अभी इनको हिमालयन पर देख रहे हैं, और बहुत सारी सुपर बाइक्स भी ये चलाती हैं। तो सोलो राइड करके इन्हें साबित कर दिया कि भारतीय लेडी भी कहीं भी किसी से कम नहीं है, और इन्होंने गर्ल्स के लिए काफ़ी सारे रास्ते बना दिए हैं। इनको देख कर गर्ल्स जो हैं काफ़ी इंस्पायर होती हैं, और इनको देख कर अब वो भी कुछ करने की कोशिश करती हैं। और जो राइडिंग पसंद गर्ल्स हैं, जो पीछे हट जाती थी कि लोग क्या कहेंगे, अब वो लोगों के बारे में सोचना बंद करके अब वो अपने करियर और अपने जो एक कहते हैं ड्रीम होती है राइड करना, उसके लिए वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। तो इनके लिए दिल से सल्यूट है, और ये मेरी नंबर टू पर फेवरेट है, क्योंकि फेवरेट तो मेरी कैनेडा लुइसी हैं, पर उनके बाद यदि फेवरेट की बात की जाए तो राइडर गर्ल विशाखा भी मेरी फेवरेट हैं। यदि सब्सक्राइबर काउंटिंग की बात की जाए तो ये टॉप पर है, 848K सब्सक्राइबर, मतलब 800,000 सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं। तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, मैंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो जाकर सब्सक्राइब करो ना यार, कर दो ना प्लीज़, 1K सब्सक्राइबर तक तो पहुँचा हूँ, क्योंकि पहला जो माइलस्टोन है वो मुझे पूरा करना है। तो मेरा को आपका सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आप लोग दिखाइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको वीडियो पसंद आए या ना आए फिर भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना मांगता है बॉस। तो तब तक के लिए चलता हूँ, लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।